अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मैं क्या, आज मैं सारा बनाया है, पूरा मैंने बना लिया है, तो मैंने सोचा कि आपको ऐसे दिखाऊं। ये देखो, लंबाई में दिखा रही हूँ आपको पहले। ये देखो, ये मैं 2 यार्ड बनाया है। अब मैं इसको फिनिशिंग कर रही हूँ, ये मैं अब ख़त्म कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, इधर से शुरू करके ना, तो मैं सिंगल, सारी सिंगल सिलाई लगा दिए, क्योंकि ये स्ट्रांग हो जाता है फिर, सिंगल, सारी सिंगल सिलाई लगा रही हूँ। तो साइडों से मैं सिंगल सिलाई लगा ली है, और मैं जिधर से शुरू किया था ना, जिधर से बना रही थी, वो भी मैं उधर भी एंड पर सिंगल सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, लमकता नहीं, ढीला ढीला सा नहीं हो जाता। एंड पर सिंगल सिलाई लगा लो ना तो अच्छा रहता है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, जो टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे रिवर्स किया करो मेरी वीडियो, औरों को भी भेजा करो, क्योंकि फिर वो भी देखे ना। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे दिखाऊं, क्योंकि मुझे खुशी हुई है कि मैं आज अपना स्कार्फ एंड कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। ये मैं तकरीबन थोड़ा थोड़ा बनाती रही हूँ, तकरीबन मैं 8-9 दिन के अंदर अंदर बनाया है, 8-9 दिन लग ही गए हैं। 3-4 लाइनें बनाती थी, फिर रख देती थी, फिर 3-4 लाइनें दूसरे दिन बनाती थी। तो मेरा अब शाल माशाल्लाह ख़त्म हो गया है। अब मैं बनाऊंगी मरून कलर में, वो भी देखना, उस पर डिज़ाइन कोई और डालूंगी। मैंने सोचा कि आज आपको ऐसे सारा दिखाऊं ना, क्योंकि उधर से पूरा ही वीडियो नहीं नज़र आती। थोड़ा सा मैं ये दूर और कर दिया है कि आपको अच्छे तरीके से नजर आए।
जो ये टांका है ना पहला, हर टांके में मैं सिंगल बना रही हूँ। दूर दूर बनाओ तो फिर ये बनाने का क्या फायदा, फिर ये खुला हो जाता है। फिर ऐसे ना डलकता रहता है। सिंगल ऐसे सिंगल के साथ ना बनाओ ना, एंड पर सिंगल सिलाई लाजमी लगानी चाहिए। मैं आपको ये पूरा ख़त्म करके इंशाल्लाह दिखाती हूँ, थोड़ा सा ही रहता है। रात को किसी ने सब्सक्राइब किया है, उनका थैंक यू, शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर। इसी तरह प्लीज़, जब सब्सक्राइब होता है ना फिर मैं शुरू हो जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं क्या, जो मेरे थोड़े से भी देखते हैं, देखते तो हैं ना, फिर मैं बनाती रहती हूँ कोई ना कोई, कोई ना कोई। जब बहन भाई देखते हैं ना फिर हौसला अफजाई हो जाती है कि चलो जी थोड़े से तो देखते हैं ना। आस्ता आस्ता बनाती रहती हूँ बैठकर। देखो ना बन ही गया है ना। बूढ़े भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ना, देखो ना बैठकर लगे रहते हैं। कोई थी ना, कोई बूढ़ा बंदा था ना, उसकी मैं मसाल सुनी थी, तो वो अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बातें करता करता कहता है, मुझे सांभ के रखो आपके काम आऊँगा। इतनी मुझे वो बात पसंद आई उसकी, मुझे सांभ के रखो मैं आपके काम आऊँगा। वो साहब है, बूढ़ा बंदा भी काम आ ही जाता है, देखो ना। मैं भी बैठकर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे बैठकर काम करती रहूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। कई बूढ़े बंदे होते हैं ना, वो देखते रहते हैं, वो क्या करता है, वो क्या क्या करता है, झगड़े फसाद इसके इसके साथ किया, उसके साथ किया। आराम से एक साइड बैठकर काम करते रहो, बच्चों की बातों में, बच्चों के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ इतना देखना चाहिए कि बच्चे माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, अपना घर बार अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, इतना लाजमी माँ बाप का फर्ज होता है देखना, तो लाजमी इतना का ख्याल रखो।
अब तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो हमसे अक्लमंद है। मैं कभी दखल अंदाजी नहीं की बच्चों की। बच्चे अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना सारे माशाल्लाह। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। मैं अभी भी अपना काम खुद करती हूँ सारा। कोई थोड़ा सा भी हो जाता है ना, कहते हैं मेरा ये काम करो, ये काम करो। मैं कभी नहीं किसी को कहा, क्योंकि अल्लाह से डर लगता है। पता नहीं आगे कितनी लंबी जिंदगी है, कितनी मोहताज हो जाऊंगी। बच्चे भी पता तंग पड़ जाते हैं, बार 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 बच्चों को तंग करो तो। माशाल्लाह इतनी में है, इतना मैं काम कर लेती हूँ अपना। मेरे गोडे की अपॉइंटमेंट तो मैं हॉस्पिटल गई तो पेंशन है। एक बूढ़ा बंदा मैं देखा गोरा, तो वो ना पेंशन उसको हुई थी, तब भी वो ना फ्री में हॉस्पिटल में काम कर रहा था। मैं कह देखो ना, ये यार कहता होगा घर पे गोरे पता है अकेले ज़्यादा होते हैं ना, तो घर में बोर हो जाते हैं। तो फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं, पार्ट टाइम कर लिया, बाहर किसी से बातें कर आया। तो हम लोग ये इस तरह नहीं करते। मैं फिर इधर लगी रहती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मेरा वक्त गुजर जाता है। टाइम नमाज पढ़ो, अपना कुरान पाक की तलावत करो, तो काम टाइम बहुत प्यारा गुजर जाता है, सुकून आता है। पता है बच्चे कहते हैं बाजार से लाते हैं ना, वो लटक जाते हैं, तो ये हाथों से बना ये तो 60 पाउंड का भी नहीं मिलता, 50 पाउंड का भी नहीं मिलता, जो हाथ से बना होता है। 3 या 4 रोल लगा लो वूल के, तो मैं ये चौथा लगाया है, ये मेरा 3 मैंने लगाए हैं, ये मैं रोल चौथा लगाया है। उसमें 3 मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं, तो मेरा स्काफ बन गया है। अब मेरी सिलाई पूरी हो गई है, आपके सामने मैं लाती हूँ, देखना फिनिश करने लगी हूँ, एंड पर चली गई हूँ। ये लीजिए जनाब, मेरा स्काफ हो गया है ख़त्म। इसको इसके अंदर जो ये पड़ी है ना थोड़ी सी, इसको इधर निकाल दूँ ना तो फिर खुलता नहीं।
ऐसे दो तीन धागे ऐसे कर दो ना, तो फिर जो बाकी बचता है उसको काट दो। बहुत टाइट हो जाता है फिर ऐसे, इसको इसके दूसरे धागे जो बना होता है ना पहला, उसके अंदर स्टुक कर दो। ये लो, अब जो बचा है उसको मैं काटने लगी। ये ले जी, देखा कितना प्यारा हो गया। देखो ये, देखो जी मेरा स्कार्फ बनकर तैयार हो गया है। प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना। ये मैं तकरीबन 2 यार्ड मेरा स्कार्फ बनकर, ये मैं डबल किया है, ये देखो डबल। ये देखो 2 यार्ड मेरा स्कार्फ बनकर तैयार हो गया। मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, ये देखो। ये लीजिए जी, आज मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं अपना स्कार्फ बनाकर तैयार कर लिया है। अब डिज़ाइन देखो, दोबारा फिर देख लो डिज़ाइन, कितना प्यारा मैंने बनाया है। प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना। लंबी होती जा रही है, तो खुदा हाफिज़, बाय।